देखो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की साइड से अच्छी बात है, क्योंकि कभी बैलेंस मेनू को कभी स्टेटमेंट बैलेंस दी है। और दूसरी बात है, जो लोग इस सिचुएशन में भी अगर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो देश को बांट रही है, और इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो दिल्ली में इन्होंने केजरीवाल को अंदर किया है, भगवंत मान को क्यों नहीं? क्योंकि वही पॉलिसी जो है वो पंजाब में लागू हुई है, वही पॉलिसी जो है वो दिल्ली में लागू हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बीजेपी की बी टीम है। और आप आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का और ऐसे लोगों का अगर किरदार देखेंगे तो मेरा ख्याल है मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि और भी अगर और भी कोई जाना चाहे, अगर और भी जाना चाहे, खुल के जाए और लोगों को पता चले, छुपके छुपके क्यों जाना है? छुपके, मैं तो अपनी पार्टी के लीडर्स को भी यही कहता हूं कि आप छुपके जिसने जाना है सामने जाए, अच्छी बात है। यंग लोगों को, अच्छे लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत से लोग सीनियोरिटी क्लेम करते हैं, बहुत कुछ क्लेम करते हैं, तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं। सर टिकट कट रही थी, क्या बिट्टू को टिकट इस बार मिल पा रही थी सर या नहीं? टिकट का तो मेरे को नहीं पता था, जीतते नहीं थे। क्या एंटीकम्बेंसी? एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी क्योंकि 5 साल किसी का फोन ही नहीं उठाया, आप लुधियाना से किसी को पूछ लो तो इसलिए मेरे को कोई आश्चर्य। तो क्या बिट्टू की सीट चेंज की जा रही थी इस बार, इस वजह से? मेरे को ये कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर ऐसे लोग ऐसे जाते हैं क्योंकि जिसका कोई कारण नहीं है, मैं लोगों को अपील करूंगा आपके जरिए, ऐसे लोगों को निकालो ताकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी आए, कहीं ना कहीं तो कोई लॉजिक के साथ खड़ा हो। देखो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की साइड से अच्छी बात है, क्योंकि कभी बैलेंस मेनू को कभी स्टेटमेंट बैलेंस दी है। और दूसरी बात है, जो लोग इस सिचुएशन में भी अगर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो देश को बांट रही है, और इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि जो दिल्ली में इन्होंने केजरीवाल को अंदर किया है, भगवंत मान को क्यों नहीं? क्योंकि वही पॉलिसी जो है वो पंजाब में लागू हुई है, वही पॉलिसी जो है वो दिल्ली में लागू हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बीजेपी की बी टीम है। और आप आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का और ऐसे लोगों का अगर किरदार देखेंगे तो मेरा ख्याल है मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि और भी अगर और भी कोई जाना चाहे, अगर और भी जाना चाहे, खुल के जाए और लोगों को पता चले, छुपके छुपके क्यों जाना है? छुपके, मैं तो अपनी पार्टी के लीडर्स को भी यही कहता हूं कि आप छुपके जिसने जाना है सामने जाए, अच्छी बात है। यंग लोगों को, अच्छे लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत से लोग सीनियोरिटी क्लेम करते हैं, बहुत कुछ क्लेम करते हैं, तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं। सर टिकट कट रही थी, क्या बिट्टू को टिकट इस बार मिल पा रही थी सर या नहीं? टिकट का तो मेरे को नहीं पता था, जीतते नहीं थे। क्या एंटीकम्बेंसी? एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी क्योंकि 5 साल किसी का फोन ही नहीं उठाया, आप लुधियाना से किसी को पूछ लो तो इसलिए मेरे को कोई आश्चर्य। तो क्या बिट्टू की सीट चेंज की जा रही थी इस बार, इस वजह से? मेरे को ये कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर ऐसे लोग ऐसे जाते हैं क्योंकि जिसका कोई कारण नहीं है, मैं लोगों को अपील करूंगा आपके जरिए, ऐसे लोगों को निकालो ताकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी आए, कहीं ना कहीं तो कोई लॉजिक के साथ खड़ा हो।